Hello everyone, good morning. Morning to all of you. How are all of you doing today? Good morning, good morning. On, quickly join us. Okay, so we have Sonu, Gulshan, Bhupendra, Alok, Devendu, Devanshu, Rekha, Abhishek, Shweta. Very good morning to all of you. Abhishek, morning. You're also fine. Okay, that's good to be fine. I hope your practice and all full अच्छे से चल रही है. Good morning. I am all fine. Standing here, all good. गुड मॉर्निंग. ओके, सो आज का सेशन, एज आई हैड प्रॉमिस्ड, मैंने कुछ सीडीएस के पेपर्स से क्वेश्चंस निकाले हैं फॉर यू पीपल. ये वाला जो है, ये सेट मैंने 2020 वाला निकाला है, यानी जो अभी 2 फेब को जो पेपर हुआ था उसमें से कुछ क्वेश्चंस पिक करे हैं. सितंबर वाला नहीं है ये, सितंबर वाला फिर कभी, अभी सिर्फ फेब्रुअरी वाला पिकअप किया है. सो एज आई हैड सेड, वी आर गोइंग टू हैव द डिस्कशन ऑन सर्टेन क्वेश्चंस. तो इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस जीएस एंड जीएस सेक्शन से, इकोनॉमिक्स से, के जीएस एंड इकोनॉमिक्स के भी कुछ क्वेश्चंस हैं. बाकी करंट के क्वेश्चंस इसके अंदर पिकअप किए हुए हैं, सॉर्टेड क्वेश्चंस ऑफ अराउंड इतने कि एक क्लास में हो जाएं, ठीक है. एंड मंथली करंट अफेयर्स की वीडियो बनी हुई है कमांडो, दे आर ऑलरेडी अवेलेबल. एसएससी ट्यूब की वेबसाइट पे जाओगे तो वहां पे आपको कोर्स मिल जाएगा 15 मंथ्स करंट अफेयर्स का. तो वो मंथली है, वो उनको मंथली डिवाइड किया गया है 4 कैटेगरीज में, स्पोर्ट्स एंड नेशनल इंटरनेशनल न्यूज, मिसलेनियस एंड स्पोर्ट्स एंड अवार्ड्स. तो ये अलग अलग वीडियो बना के और मंथली कंपाइलेशन किया हुआ है उनका. सीजीएल में यू कैन एक्सपेक्ट फॉर 6 to 8 months टिल जनवरी. ओके, सो आज का सेशन शुरू करें. थोड़ा सा जीएस भी है इसके अंदर, सो डोंट गेट डिसअपॉइंटेड ऑन द फैक्ट, ठीक है. तो जनरल साइंस भी है, थोड़ा सा इकोनॉमिक्स के भी एक दो क्वेश्चंस है, बट दे आर दोज विच आर कंसर्न विद करंट एज वेल. ओके, शुरू करें फिर आज का सेशन. इट्स ऑलरेडी 35, वी हैव वेस्टेड 5 मिनट्स ऑलरेडी. नाउ दोज हु आर ऑन फेसबुक, जो बच्चे फेसबुक पे लाइव हैं या दोज आर वॉचिंग मी लाइव ऑन फेसबुक, आई विल सजेस्ट कि आप यूट्यूब पे लाइव आ जाए, जिससे कि जो आपका इंटरेक्शन है या जो आपके डाउट्स हैं वो मैं पिकअप कर सकूं, बिकॉज आई कैन सी ओनली द कॉमेंट्स ऑफ यूट्यूब. मुझे यूट्यूब के कॉमेंट्स दिखते हैं, फेसबुक के नहीं दिखते हैं. सो इट विल बी बेटर इफ यू पीपल ज्वाइन मी ऑन यूट्यूब, ठीक है. या कोई भी डाउट होता है तो आप यूट्यूब पे आके पूछ लें. गुड मॉर्निंग दीपिका, हेलो वेनू. ओके, हर्ष, इट डिपेंड्स ऑन द एग्जामिनेशन टू एग्जामिनेशन. जैसे एमबीए के कुछ एग्जाम्स हैं वो 2 साल तक का करंट मानते हैं, और कुछ एग्जाम्स हैं जो 6 to 8 months में लेते हैं, कुछ एग्जाम्स 1 year का लेते हैं. तो इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन एग्जाम टू एग्जाम कि कितने मंथ्स का आपको पढ़ना होगा, ठीक है. अभी शुरू करते हैं विद अ क्वेश्चन ऑन साइंस. विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स इज प्रोड्यूस्ड इन ह्यूमन स्टमक. सो दिस वॉज वन ऑफ साइंस सेक्शन जो था इसका काफी ईजी था, कंपेरेटिवली इट वॉज क्वाइट एन ईजी वन, नॉट दैट टफ दैट इट वुड बी एक्सपेक्टेड. सो सिंपल क्वेश्चन है, कौन सा एसिड मानव के पेट में उत्पन्न होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज प्रोड्यूस्ड इन द ह्यूमन स्टमक. सिंपल क्वेश्चन रिक्वायर सिंपल आंसर्स. प्रॉमित, एच सी एल, इमरान, दीपिका, ब्रजेश, हरिओम. सो
स्टमक के अंदर बेसिकली थ्री थिंग्स प्रोड्यूस होती हैं, दैट्स एचसीएल, पेप्सिन एंड म्यूकस. ठीक है, तो एसिड की, जब यहाँ पे सिर्फ एसिड पूछा है तो एसिड के अंदर ऑल ऑफ यू आर राइट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज प्रोड्यूस. अदरवाइज स्टमक के अंदर थ्री थिंग्स आर प्रोड्यूस्ड, अ म्यूकस लेयर, अ पेप्सिन एंड एचसीएल. तो एचसीएल, पेप्सिन एंड म्यूकस, म्यूकस की लेयर बनती है फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम एचसीएल, एचसीएल से बचाने के लिए म्यूकस की लेयर बनती है. एंड पेप्सिन इज प्रोड्यूस्ड फॉर डाइजेशन, फॉर प्रोटीन्स, एंड दीज आर द थ्री थिंग्स प्रोड्यूस्ड इन अ ह्यूमन स्टमक. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रेडिएशन हैज अ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, निम्नलिखित में से किस विवकरण में सबसे कम तरंग दैर्ध्य होता है, या विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रेडिएशन हैज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ. शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन ऑप्शन में से किसके है, या विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ. अनिल, ओके, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी, इंफ्रारेड, यूवी, विजिबल लाइट. विजिबल लाइट नहीं है. ऑप्शन सी इंफ्रारेड, या ऑप्शन डी अल्ट्रावायलेट. वेल, आई विल गो फॉर अल्ट्रावायलेट, बिकॉज अल्ट्रावायलेट, देन एक्सरेज एंड देन गामा रेज. शॉर्टेस्ट वेवलेंथ में शॉर्टेस्ट जो है वो गामा की होती है, उससे बड़ी एक्सरे की, उससे बड़ी यूवी की. सो दैट इज व्हाई यूवी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर. शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इज ऑफ यूवी रेज. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. निम्नलिखित में से किन पौधों में यौन प्रजनन के दौरान घटनाओं का सही क्रम है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स का सीक्वेंस क्या है? यस, ए इज द रेडियो वेव्स इज द लार्जेस्ट वेवलेंथ, एंड यूवी इज दी शॉर्टेस्ट वन इन द ऑप्शन. ओके, सो सीक्वेंस देखना है इसके अंदर, किस सीक्वेंस में होगा. तो फर्स्ट थिंग, डेफिनेटली पॉलिनेशन इज गोइंग टू हैपन, एंड इसके अंदर ज्यादा टाइम लगाने का था भी नहीं है क्वेश्चन, बिकॉज वी ऑल नो दैट व्हेन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस, द फर्स्ट थिंग हैपन्स इज पॉलिनेशन. एंड फर्स्ट थिंग पॉलिनेशन इन चारों ऑप्शन में से सिर्फ एक में है, सो दैट इज गोइंग टू बी द राइट आंसर. ऑल्दो द सीक्वेंस गोज एज पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, डिविजन ऑफ जायगोट, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो एंड देन सीडलिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज, वेन एयर इज ब्लोन फ्रॉम माउथ इन टू द टेस्ट ट्यूब ड्यूरिंग विच कंटेन्स लाइम वॉटर, द लाइम वॉटर टर्न्स मिल्की, दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वॉट. इट्स ओके, इट्स ओके. वेल, यू डू गेट सर्टन थिंग्स लेटर ऑन. ओके, सो जब लाइम वाटर युक्त प्रखनली में मुंह से हवा निकाली जाती है, तो लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, या एक क्लाउडी सा हो जाता है, यह उपस्थिति किसके कारण होती है. दैट्स नॉट अ साइंस सेशन, दैट इज जस्ट अ जीएसएन होल ऑफ सीरियस, फ्यू क्वेश्चंस टेकन अप फॉर योर एग्जामिनेशन. ओके, सो दैट इज अ सिंपल वन. लाइम वाटर कि फॉर्मूला क्या है, ऑल ऑफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दीज थिंग्स. सो लाइम वाटर का फॉर्मूला क्या है? ऑप्शन सी, सी, सी. ओके, ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड इज द राइट आंसर इन दिस वन. लाइम वाटर टर्न्स मिल्की ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन. फॉर्मूला ऑफ लाइम वाटर, क्विक, लाइम वाटर का फॉर्मूला क्या है, या व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ लाइम वाटर? द ऑप्शन डी इज कार्बन मोनोऑक्साइड. राइट आंसर मिल गया तो ऑप्शन डी देख के क्या करना है. ओके, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ लाइम वाटर, क्विकली, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ लाइम वाटर? है इसी के अंदर, इसी पेपर में जो आए थे, इट इज अ एग्जामिनेशन पेपर टेकन अप, Na2CO3, CaO. ओके, नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग.
सोडियम हाइड्रोक्साइड है के सी ए ओ एच होल ट्वाइस, मुकेश से सी ओ एच होल ट्वाइस. ओके सो दिस पर्सन इज राइट, मुकेश से इज नाइट. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज नोन एज लाइम वॉटर, नॉट कैल्शियम ऑक्साइड, इट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सी ए ओ एच होल ट्वाइस. ओके, एनर्जी करेंसी फॉर सेल्युलर प्रोसेसेस. निम्नलिखित में से कौन सा सेल्युलर प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मुद्रा है, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एनर्जी करेंसी फॉर सेल्युलर प्रोसेसेस. वेल, यू आर नॉट अ साइंस स्टूडेंट बट यू आर गिविंग एग्जामिनेशंस, कम ऑन. व्हाई डू यू हैव टू ऑलवेज कम विद अ सर्टेन माइंड सेट? यू आर सपोज टू बी अपियरिंग इन एग्जामिनेशन ऑफ एस एस सी राइट नाउ, एंड इतने बेसिक क्वेश्चन ऑल दो एस एस सी में थोड़े से हाई लेवल भी आ जाते हैं, बट स्टिल यू मस्ट नो सर्टन थिंग्स, राइट? वेयर डिड दैट गो? ओके, ए टी पी, एडीनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ऑप्शन बी इज द राइट वन. एडीनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज ऑल्सो नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द बॉडी. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट एंजाइम टू मिक्स विद फूड इन द डाइजेस्टिव ट्रैक? निम्नलिखित में से कौन सा पाचन तंत्र में भोजन के साथ मिश्रण करने वाला पहला एंजाइम है? सी, दीज आर द क्वेश्चन दैट कैन कम इन एनी एग्जामिनेशन. जिस भी एग्जामिनेशन में जनरल स्टडीज का क्वेश्चन आता है, उन एग्जाम्स में इन इन इस तरह के क्वेश्चन आर वेरी एक्सपेक्टेड टू बी आस्ड. एंड सिंस यू पीपल आर नॉट हैविंग दीज क्लासेज एंड स्टूडेंट्स आर आस्किंग इट, सो एक पुराना पेपर उठाया है इसी बार का सी डी एस का. फॉर दोज हु हैव जॉइंड अस लेट, इट इज एग्जैक्ट पेपर ऑफ सी डी एस. ओके, एडीनोसिन ट्राइफॉस्फेट, स्पेलिंग गलत है बट ठीक है, बात सही है. ओके, अमाइलेज एंड पेप्सिन. अभी पेप्सिन का आई जस्ट टोल्ड यू इट इज इन स्टमक, स्टमक से पहले कोई रिलीज. अमाइलेज दैट इज ऑप्शन डी, दैट इज राइट. अमाइलेज विच इज रिलीज्ड इन माउथ, माउथ में रिलीज होता है अमाइलेज, एंड दिस इज द फर्स्ट एंजाइम जो फूड एनकाउंटर करता है. यस, ऑल्सो नोन एज टाइलिन. मुकेश, दैट इज राइट, इट इज ऑल्सो नोन एज टाइलिन. इसका दूसरा, अमाइलेज का ही दूसरा नाम है टाइलिन. महात्मा गांधी डांडी मार्च, अ ग्रेट इवेंट इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, वॉज एसोसिएटेड विद वॉट? या भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की एक महान घटना महात्मा गांधी की डांडी मार्च, वो किससे जुड़ी है? महात्मा गांधी डांडी मार्च इज एसोसिएटेड विद विच थिंग? एग्जैक्टली, आई वॉज आई टू वॉज रियली हैप्पी विद द टाइप ऑफ ऑप्शन दे हैव गिवन. केमिस्ट्री का टेस्ट और हिस्ट्री का टेस्ट एक साथ लिया है इस क्वेश्चन में. सोडियम क्लोराइड सॉल्ट, ऑप्शन बी. वेल, इसके लिए ये जानना जरूरी है कि सॉल्ट को सोडियम क्लोराइड भी कहते हैं, या जो साइंटिफिक नेम है वो सोडियम क्लोराइड है. सो दिस वॉज अ क्वेश्चन जिसके अंदर इन्होंने हिस्ट्री एंड साइंस दोनों मिक्स करी है. सिल्वर आर्टिकल्स बिकम ब्लैक आफ्टर सम टाइम व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर बिकॉज. नाउ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर सीन इन एसएससी एज वेल. इस तरह के क्वेश्चन एसएससी में भी देखने को मिलते हैं, वेयर दे आर आस्किंग अबाउट रिएक्शंस एंड स्टफ. तो इस तरह का क्वेश्चन एसएससी के लेवल का भी है. ओके, हवा से संपर्क में आने में कुछ समय बाद चांदी काली हो जाती है, वो किस वजह से होती है? Well, it is supposed to, like, who does the, like, you never, it's a rare thing कि examinations में इस तरह का question frame किया जाए. So, silver articles black कैसे होते हैं? What is the reaction that happens when silver articles are in contact with air? Option B, option C.
ऑप्शन सी सल्फर के साथ, ऑप्शन बी मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म सिल्वर कार्बोनेट, ऑप्शन डी नाइट्रोजन ऑक्साइड। ओके सो तीन आंसर, ओके ऑल द फोर हैव बीन चोजन। द राइट आंसर इज सिल्वर के साथ। सिल्वर जो है वो सल्फर के साथ रिएक्शन करती है और सिल्वर सल्फाइड बनाती है इन एयर। ऑक्सीडाइज बहुत जल्दी नहीं होती है सिल्वर, सिल्वर का ऑक्सीडाइजेशन इज नॉट एन इजी प्रोसेस, लेकिन जब सल्फर के साथ कॉन्टैक्ट में आती है ना, देन इट टर्न्स ब्लैक बिकॉज इट फॉर्म्स अ लेयर ऑफ सिल्वर सल्फाइड। तो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन सी इन दिस। ओके करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑर्गन्स इन द पाथ ऑफ यूरिन फ्लो इन ह्यूमन बॉडी। इस तरह डेली साइंस के 10 क्वेश्चन, यहाँ पे 2 क्वेश्चन में सबकी जान निकल गई। एवरीवन इज लाइक व्हाई वी आर डूइंग इट एंड यू आर टॉकिंग अबाउट 10 10 में तो बच्चे गायब हो जाने हैं सारे। ओके सो ऑप्शन बी, ऑप्शन बी ध्यान से देखना है, सिंस इट्स अ सीक्वेंस थिंग यू आर सपोज टू लुक एट एवरीथिंग। नाउ फर्स्ट विटनेस, सबसे पहले किडनी होती है। ऑप्शन डी अलग दिख रहा है बट दिस इज नॉट द राइट आंसर। ओके सो सबसे पहले वी विटनेस किडनी, ठीक है, यूरिनरी ट्रैक में सबसे पहले किडनी आती है। आफ्टर दैट इज इट गोइंग टू बी यूरिनरी ब्लैडर और यूरेटर। सो नाउ द राइट आंसर इज यूरेटर। यूरेटर के बाद क्या आता है? वी हैव यूरिनरी ब्लैडर नॉट यूरिथ्रा। सो दिस इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। सो सबसे पहले इट कम्स किडनी, देन यूरेटर, देन यूरिनरी ब्लैडर एंड देन यूरिथ्रा। दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ दिस। यस यूरिथ्रा लास्ट में आता है, यू कैन चेक बाय दैट एज वेल। ओके हु अमंग द फॉलोइंग साइंटिस्ट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ इम्यूनाइजेशन इन द मेडिकल वर्ल्ड। नाउ इम्यूनाइजेशन वॉज क्वाइट इन न्यूज, काफी न्यूज में भी था। इट वॉज समथिंग जो क्वेश्चन वी कैन एक्सपेक्ट बिकॉज उस टाइम पे, यानी इन द प्रीवियस ईयर, हमने नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम देखा है विच इज रिलेटेड टू वैक्सीनेशन। फिलेरियासिस का वैक्सीनेशन शुरू हुआ यूपी के अंदर एंड कुछ और पोलियो वैक्सीनेशन एंड ऑल इज ऑल्सो गोइंग ऑन। तो काफी सारे इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीनेशन प्रोसेस चल रहे थे इन 2019, काफी न्यूज में थे एंड दैट इज वाई दिस वॉज अ वेरी एक्सपेक्टेड करंट रिलेटेड क्वेश्चन इन साइंस। एंड द आंसर ऑफ दिस इज राहुल, किशन, पीयूष, अजीत, संजू, श्वेता। ऑप्शन ए और बी में कंफ्यूजन, रॉबर्ट कॉच एंड एडवर्ड जेनर। द राइट आंसर इज एडवर्ड जेनर, ऑप्शन ए। एडवर्ड जेनर इज द पर्सन जिन्होंने इम्यूनाइजेशन इंट्रोड्यूस किया था टू द वर्ल्ड, या इम्यूनाइजेशन वॉज बिगन और इंट्रोड्यूस्ड बाय एडवर्ड जेनर। चलो समवन वाज आस्किंग कि हिस्ट्री का भी लेके आओ, लो हिस्ट्री क्वेश्चन हैज आल्सो कम। 31 दिसंबर 1929 इन विच ऑफ द फॉलोइंग कांग्रेस सेशन वाज द प्रोक्लेमेशन ऑफ पूर्ण स्वराज मेड। 31 दिसंबर 1929 को निम्नलिखित में से किस कांग्रेस सत्र में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी? Yes, उन्होंने पोलियो से शुरू किया था बट वैक्सीनेशन क्यों न्यूज में था? इट वॉज बिकॉज देयर वर वेरियस प्रोग्राम्स लॉन्च्ड। तो पूर्ण स्वराज कौन से सेशन में अनाउंस हुआ था? सिंपल क्वेश्चन है, वेरी इजी वन, ऑप्शन सी ऑप्शन बी। सो लाहौर और कलकत्ता में कंफ्यूजन है, मेजॉरिटी गोइंग विद ऑप्शन सी एंड दैट्स राइट। लाहौर सेशन था 1929 का ऑफ कांग्रेस सेशन, जिसके अंदर पूर्ण स्वराज का प्रोक्लेमेशन किया गया था या अनाउंसमेंट किया गया था दैट वी रिक्वायर पूर्ण स्वराज। यस बाय जवाहरलाल नेहरू। नाउ निशी ट्राइब इज फाउंड मेनली, नाउ दिस इज अ करंट रिलेटेड क्वेश्चन, ये करंट का क्वेश्चन है।
ऑप्शन सी, ऑप्शन ए, ऑप्शन सी अंडमान एंड निकोबार, ऑप्शन ए. वेल आई वाज वेरी मच एक्सपेक्टिंग कि ये आंसर आएगा बिकॉज यूजुअली स्टूडेंट अज्यूम इट, बट द आंसर इज अरुणाचल प्रदेश. नाउ आई एम सेइंग ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है. क्यों? निशी ट्राइब इज द वन विच सेलिब्रेट्स हॉर्नबिल फेस्टिवल. हॉर्नबिल फेस्टिवल निशी ट्राइब से एसोसिएटेड है और निशी ट्राइब से रिलेटेड एक बुक भी रिलीज हुई थी, उइमोक. निशी ट्राइब के जो फोक लोर्स हैं या उनके जो पुराने रिलीजियस सॉन्ग्स एंड ऑल आर देयर, उन सब से रिलेटेड एक उइमोक बुक रिलीज की गई थी रिसेंटली. दिस वॉज वाई इट वॉज इन न्यूज. एंड सेकेंड ऑफ ऑल, हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है वो निशी ट्राइब के बेसिक जो पार्टिसिपेंट है हॉर्नबिल का, वो निशी ट्राइब है. एंड दैट इज वाई दिस वॉज इन न्यूज. दिस इज हाउ करंट क्वेश्चन आर आस्ड. नाउ सौभाग्य गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कीम रिलेट्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया. सौभ्य भारत सरकार की योजना निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? सौभाग्य स्कीम, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज कमिंग. दिव्यांशु, राहुल, हरिओम, किशन, संजू, शंकर, हरिओम. ओके, वी हैव आंसर्स फॉर ऑप्शन ए, अचीविंग यूनिवर्सल हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन. दैट इज राइट. इलेक्ट्रिफिकेशन से रिलेटेड है ये. यूनिवर्सल हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन, या यू कहें बेसिकली रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन से ये शुरुआत की गई थी सौभाग्य स्कीम की. एंड इसे प्रधानमंत्री हर घर बिजली योजना भी कहते हैं. इट इज ऑल्सो नोन एज प्रधानमंत्री हर घर बिजली योजना. नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसल कन्वेंशन इज एम्ड एट प्रोटेक्टिंग ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरमेंट अगेंस्ट एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग. बेसल कन्वेंशन का उद्देश्य मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा करना है, जो निम्नलिखित में से किस प्रतिकूल प्रभाव से बचा सकता है? सौभाग्य स्कीम, गुलशन, यू कैन जस्ट मेक अ पॉइंटर राइट नाउ. बाद में जब रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाए इस वीडियो की, तो यू कैन जस्ट जंप टू द टाइम एंड जॉट इट डाउन. यस, नहीं, उज्ज्वला और सौभाग्य दोनों सेम स्कीम्स थी. दे बोथ वर लॉन्च टुगेदर. दोनों का आइडियोलॉजी यही है, 24/7 इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रिक कनेक्शन. तो उज्ज्वला स्कीम इज अबाउट 24/7 इलेक्ट्रिसिटी एंड एलईडी लाइट्स एंड ऑल, और सौभाग्य स्कीम जो है ये बेसिकली इलेक्ट्रिफिकेशन की है बस. वेस्ट, हैजर्डस वेस्ट, ऑप्शन बी परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, ऑप्शन डी केमिकल पेस्टिसाइड्स, ऑप्शन सी मर्क्यूरी. ओके, तो चारों ऑप्शन चोजन है. बेसल कन्वेंशन बेसिकली हैजर्डस वेस्ट से है, हर तरह का वेस्ट एक्सेप्ट रेडियो एक्टिव. बेसल कन्वेंशन में रेडियो एक्टिव वेस्ट का कोई मेंशन नहीं है. रेडियो एक्टिव वेस्ट का कोई भी मेंशन नहीं है कि क्या रेडियो एक्टिव वेस्ट के साथ होना चाहिए. अदरवाइज सारे हैजर्डस वेस्ट के लिए बेसल कन्वेंशन है. बेसल कन्वेंशन क्या है बेसिकली? इट इज बिकॉज इसका क्या है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो डेवलपिंग या लेस डेवलप्ड कंट्रीज में जाके जो वेस्ट डंप करते हैं वो चीज ना हो, या डेवलपिंग जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज में डंपिंग साइट्स उनको ना बनाए, उसके लिए बेसिल कन्वेंशन वॉज साइंड. ठीक है,
Now, which of the following is not correct about repo rate? Repo rate, we all know kitna confusion mein chal raha tha. There are various ups and downs going. So, current repo rate bhi bata dena saath saath. What is the current repo rate? Aur repo dar ke baare mein nimlikhit mein se kaun sa sahi nahi hai? So, it is an economics question related to current affairs. That is, which of the following is not correct about repo rate? Aur current repo rate kya hai? Ye bhi you can tell on the sidelines. तो रेपो रेट क्या है? Bhanu, I will just check that because maybe that must have been an old article and उसे अपडेट किया हो. मैंने जो पढ़ा वो ओल्ड आर्टिकल हो, तो I'll just check that and let you know. For a confirmation, 5.15%, 5.1%. Okay, so current repo rate is 5.15%. That is right. Now, statement question. Chandeshwar, option D. Divyanshu, D. Ankur, option B. Reverse repo rate is 4.9%. That's right, Shehzad. ये तो सही है पीयूष, स्टेटमेंट इज राइट, लेकिन इनमें से कौन सा स्टेटमेंट नहीं है इसके बारे में सही? ओके, द आंसर ऑफ दिस इज गोइंग टू बी अबाउट इंटरेस्ट रेट चार्ज्ड अपॉन लोन कॉन्ट्रैक्ट. ऑप्शन सी इज द राइट वन. Collateral security, interest rate charged by central bank on overnight loan and interest rate paid by commercial banks on overnight borrowing. ये दोनों वैसे basically same statement है, just wordings change किए गए हैं. And collateral security के लिए it is repo rate and interest rate agreed upon loan contract between commercial bank and central bank is not the right answer. कैश रिजर्व रेशियो क्या है? कैश रिजर्व रेशियो रेफर्स टू व्हाट, या व्हाट इज कैश रिजर्व रेशियो? नाउ दिस हैज नॉट बीन कन्वर्टेड इन हिंदी एंड आई एम सो सॉरी अबाउट दोज जिन्हें सिर्फ हिंदी में ये स्टेटमेंट क्वेश्चंस चाहिए थे. आई एम सॉरी आई डिड नॉट गेट इनफ टाइम और इनफ स्पेस वॉज ऑल्सो नॉट देयर कि इसे हिंदी में कन्वर्ट किया जा सके. तो आई एम वेरी सॉरी अबाउट दैट. थोड़ा सा कर लीजिए. कोलैटरल सिक्योरिटी क्या है किशन? कोलैटरल सिक्योरिटी होता है बेसिकली कि जब लोन लेते हैं तो हम जो चीज गिरवी रखते हैं दैट इज नोन एज अ कोलैटरल. और कोलैटरल जो हमने रखा है उसको सिक्योर करने के लिए, जैसे सपोज मेरे पास बॉन्ड्स हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं, मैंने लोन लेने के लिए वो अपने कोलैटरल बैंक को दिए हैं, दैट इज द कोलैटरल सिक्योरिटी दे आर कीपिंग, कि मेरा जो सिक्योर अमाउंट है उसे बचा के रखने के लिए, उसे सेफ रखने के लिए, दैट इज नोन एज कोलैटरल सिक्योरिटी. ओवरनाइट लोन क्या है? ओके, सो ओवरनाइट लोन का मतलब जैसे सपोजिंग किसी पर्सन को बहुत बड़ा लोन लेना है बैंक से और बैंक के पास इतना कैश नहीं है कि वो उसी टाइम एट द पॉइंट इतना लोन दे दे. सो वो उस अमाउंट को क्या करता है? आरबीआई से बोरो करता है कि वी रिक्वायर दिस मच ऑफ अमाउंट क्योंकि हमें लोन देना है. सो ये रातों रात आरबीआई से जब बैंक लोन लेता है दैट इज नोन एज ओवरनाइट लोन. और फिर उसे रीपे भी करना होता है, दैट इज द वेरी नेक्स्ट डे विद इन द 14 डेज टाइम पीरियड दे हैव टू रीपे इट. ओके, करंट 4% है भावेश, दैट इज राइट. करंट कैश रिजर्व रेशियो 4% है एंड द आंसर ऑफ दिस इज गोइंग टू बी दिस. शेयर ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज दैट बैंक्स हैव टू होल्ड एज बैलेंस विद आरबीआई, यानी आरबीआई के साथ बैलेंस मेंटेन करने के लिए, जैसे अभी 4% है तो अपने आरबीआई के साथ बैलेंस मेंटेन करने के लिए जो डिमांड है और टाइम लाइबिलिटीज है वो 4% ऑफ द अमाउंट दे हैव वो उनको आरबीआई के पास रखना पड़ेगा. दिस इज द अमाउंट दे हैव टू कीप विद आरबीआई और मेंटेन इट विद आरबीआई, दैट इज नोन एज कैश रिजर्व रेशियो. बेस्ट मेन्स प्लेयर फुटबॉलर अवार्ड फॉर फीफा फुटबॉल अवार्ड्स 2019.
द फॉलोइंग वॉन द बेस्ट मेंस प्लेयर? चलो ठीक है, या कैश या गोल्ड? कैश भी रखना होता है, गोल्ड भी रखना होता है, यानी गोल्ड तो है ही, बट दैट इज द अमाउंट दैट हैव टू मेंटेन इट विद आरबीआई. आरबीआई के साथ वो रेशियो उनको मेंटेन करके रखना पड़ता है. नाउ हु अमंग द फॉलोइंग वाज द बेस्ट मेंस प्लेयर अवार्ड फॉर फीफा फुटबॉल अवार्ड 2019? लो अवार्ड्स एंड स्पोर्ट्स सेक्शन एट ऑल टुगेदर इन सिंगल वन. एनडीटीएल, तो एनडीटीएल क्या है? नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज. तो किसी को अगर ये याद है कि एनडीटीएल है ये, तो एनडीटीएल दिखा ही सिर्फ एक ऑप्शन में था. एनडीटीएल वॉज ऑल ओवर इन ओनली टू ऑप्शंस, यहां पे था एनडीटीएल और यहां पे था. व्हाट वॉज द डिफरेंस? ये बैलेंस विद आरबीआई है और ये कैश रिजर्व का है. सो द बट ऑब्वियस आंसर वॉज गोइंग टू बी ऑप्शन बी. आंसर फॉर दिस, ऑल ऑफ यू आर राइट, ऑप्शन सी, लायनल मेसी. सो दोज हु वेंट विद लायनल मेसी, दैट इज राइट. मेसी वॉज द विनर ऑफ फीफा फुटबॉल अवार्ड मेन्स प्लेयर अवार्ड 2019. यस, दैट इज मेसी. नाउ इन सेप्टेंबर 2019, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेवल जायंट्स डिक्लेयर्ड इटसेल्फ बैंकरप्ट? इसके लिए एक ऑपरेशन भी लॉन्च हुआ था. इफ यू रिमेम्बर द नेम यू कैन टेल दैट एज वेल. तो सितंबर 2019 में निम्नलिखित में से किस यात्रा दिग्गज ने खुद को दिवालिया घोषित किया था? आई हैव डिस्कस्ड दिस एंड इसका ऑपरेशन का नाम भी बताया था मैंने. सो इफ यू रिमेम्बर दैट यू कैन टेल दैट एज वेल, अदरवाइज कंपनी का नाम तो बता ही दो. आंसर सबको पता है, ऑप्शन डी. ऑपरेशन का नाम याद नहीं है? हाँ, आंसर इज ऑप्शन डी, थॉमस कुक. थॉमस कुक ने अपने आप को बैंकरप्ट डिक्लेयर किया था एंड द नेम ऑफ द ऑपरेशन वाज ऑपरेशन मैटरहॉर्न, जो मैंने बताया भी था. ऑपरेशन मैटरहॉर्न वाज अर्लियर बाय यूएस, जब यूएस और जापान के बीच में द वर्ल्ड वॉर वाज गोइंग ऑन. बट इन द सेम नेम ये ऑपरेशन यूके ने लॉन्च किया था उन लोगों को रेस्क्यू करने के लिए, या उन लोगों को वापस यूके में लाने के लिए जो थॉमस कुक कंपनी के थ्रू बाहर गए थे. सो द आंसर इज ऑप्शन डी. एंड अमन, नहीं, आंसर ऑप्शन डी ही है, यूके की कंपनी, इट इज थॉमस कुक. ऑपरेशन मैटरहॉर्न कई बार कराया भी है शायद. ओके, ग्रेटा थनबर्ग, अ टीनेज एनवायरमेंट एक्टिविस्ट हु वाज सीन इन न्यूज रिसेंटली, हेल्स फ्रॉम विच कंट्री? या ग्रेटा थनबर्ग, एक किशोर पर्यावरण कार्यकर्ता जो हाल ही में खबरों में थी, वो कहाँ से हैं? कहाँ से है? सनी से स्वरन, हरिओम, विप्लव, सज्जन. दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन, अगेन बहुत ही इजी क्वेश्चन, कई बार देखा है न्यूज में. नैन, पीयूष, किशन. ओके, सो वी हैव आंसर्स फॉर ऑप्शन ए, स्वीडन, दैट इज राइट. ग्रेटा थनबर्ग टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर थी एंड राइट लाइवलीहुड अवार्ड की विनर भी थी. यस, शी वाज टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर एंड विनर ऑफ राइट लाइवलीहुड अवार्ड, और वो स्वीडन से हैं. नेक्स्ट, रिसेंटली द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज इम्पोज लिमिटेशंस इनिशियली फॉर अ पीरियड ऑफ 6 months ऑन विड्रॉल ऑफ अमाउंट बाय करंट अकाउंट होल्डर्स ऑफ बाय अकाउंट होल्डर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स? ये डिस्कस्ड था क्वेश्चन, पहले भी कराया था. सो हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने खाता धारकों द्वारा निम्नलिखित में से किस बैंक द्वारा राशि के निकास पर 6 महीने की अवधि के लिए सीमाएं लगाई हैं? तो बाउंडेशन लगाई थी आरबीआई ने कि सर्टेन अमाउंट तक ही विड्रॉल कर सकते हैं, उससे ज्यादा विड्रॉल नहीं कर सकते हैं, बिकॉज द बैंक वॉज गोइंग इन लॉस. तो वो कौन सा बैंक है?
ऑप्शन सी, ऑप्शन सी मेजॉरिटी, पीएमसी दैट इज राइट, बैंक ऑफ पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, या पीएमसी इज द बैंक जिसके ऊपर आरबीआई ने लिमिटेशंस लगाए थे 6 महीने के लिए, फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स ऑन विड्रॉल ऑफ अमाउंट, पैसे विड्रॉ करने पे लिमिटेशंस लगाए थे बिकॉज बैंक वॉज ऑन अ लॉस, या बैंक पेमेंट नहीं कर पा रहा था आरबीआई के साथ, सीआरआर मेंटेनेंस में प्रॉब्लम थी ना। अमिताभ बच्चन वॉज रिसेंटली कंफर्ड द प्रेस्टीजियस दादा साहेब फाल्के अवार्ड, हु वॉज द फर्स्ट रेसिपियंट ऑफ द अवार्ड। अमिताभ बच्चन को हाल ही में प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, दिस इज अ रेफरेंस दे हैव गिवन, और साथ में पूछा है कि पहले प्राप्तकर्ता कौन थे इस पुरस्कार के, यू वॉज द फर्स्ट अवॉर्डी ऑफ दिस दादा साहेब फाल्के अवार्ड। अमन, यस इट इज सीरियस पेपर। पृथ्वीराज कपूर, पृथ्वीराज कपूर, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी देविका रानी। ओके, सो ए और बी में कंफ्यूजन चल रहा है। यस, कल देर इज गोइंग टू बी नो क्लास, दैट्स राइट। सो द आंसर ऑफ दिस इज देविका रानी, ऑप्शन बी। तो फर्स्ट दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो है वो देविका रानी को मिला था, एंड दादा साहेब फाल्के अवार्ड रिसेंट की बात करें तो रिसेंटली इट वॉज गिवन टू अमिताभ बच्चन, और सर अमिताभ बच्चन। सो अब से मेजर अवार्ड्स के फर्स्ट रेसिपिएंट भी पता होने चाहिए। ओके, ओवरसीज इंडियंस, नाउ दिस इज समवेयर रिलेटेड टू वोटिंग, ओवरसीज इंडियंस कैन एक्सरसाइज फ्रेंचाइज इन इलेक्शन टू लोकसभा अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। प्रवासी भारतीय लोकसभा के लिए होने वाले चुनाव में मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं, तो इनमें से कौन सी कंडीशन एप्लीकेबल होगी? सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, इलेक्टोरल रोल में नाम होना चाहिए, और इंडिया के अंदर प्रेजेंट होने चाहिए। ये तीन कंडीशन है, इनमें से कौन सी कंडीशन वैलिड है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज वैलिड फॉर ओवरसीज इंडियंस, या यू कैन से एनआरआईज, फॉर कास्टिंग वोट, इंडिया में वोट कास्ट करने के लिए एनआरआईज को इनमें से कौन सी कंडीशन पूरी करनी जरूरी है? नैन, इमरान, पीयूष, मनीष, इमरान, गुलशन, दीपिका। ओवरसीज इंडियंस मतलब जिनके पास सिटीजनशिप इंडिया की है। ओके, दीपिका, राइट। सो दीपिका, उनके पास इंडिया की ही सिटीजनशिप है अभी, उन्होंने सिटीजनशिप चेंज नहीं करी है अपनी, लेकिन वो रहते नहीं है इंडिया में, या एनआरआई जिन्हें कहते हैं, कि इंडियन सिटीजन है लेकिन इंडिया में नहीं रह रहे हैं। आंसर इज ऑल ऑफ द थ्री, टू थ्री नहीं, वन भी है। सिटीजन होना चाहिए, यानी कि किसी और कंट्री की सिटीजनशिप नहीं ली होनी चाहिए, दे शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया। नेम इलेक्टोरल रोल में होना चाहिए, बट ऑब्वियसली, एंड थर्ड इज इंडिया में प्रेजेंट होना भी जरूरी है, दे मस्ट बी प्रेजेंट इन इंडिया एज वेल। इसके लिए बिल पास हुआ था कि प्रॉक्सी लग सकती है, लेकिन अभी अप्लाई नहीं हुआ है। प्रॉक्सी वोटिंग की का बिल पास हुआ था 2018 में, लेकिन वो अप्लाई नहीं हुआ है अभी तक, क्योंकि वो अभी एक्ट नहीं बना। सो देयरफॉर अभी तीनों कंडीशंस वैलिड हैं। इन इंडिया हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज हैव मोर देन टू इंटरनेशनल बाउंड्रीज? तो इनमें से मतलब अभी इंडिया में एट प्रेजेंट कितने स्टेट्स या यूटीज हैं, यूनियन टेरिटरीज या स्टेट्स, जो अपनी बाउंड्री किसी दो से ज्यादा इंटरनेशनल बाउंड्रीज शेयर करते हैं, या दो से ज्यादा कंट्रीज के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं, ऐसे कितने स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज हैं?
विप्लव सेज टू ऑप्शन बी, नाम भी बताते जाओ। अजीत 1-2, सोनू सेज 3, गेमर सेज 2, ऑप्शन बी, ऑप्शन 3। कंट्रीज के नाम, वो स्टेट्स के नाम भी बताओ, स्टेट या यूनियन टेरिटरी। 2-3, 2-3, यूपी एंड सिक्किम। यूपी किस किस के साथ शेयर करता है? 3 ओनली। वेल लेट्स लिस्ट देम अप। फर्स्ट इज सिक्किम, सिक्किम है, वेस्ट बंगाल है। नाउ समवन सेज जे एंड के, आई विल कम टू दैट। अरुणाचल प्रदेश है। नाउ जम्मू एंड कश्मीर अभी तक शेयर करता था जब तक वो एक स्टेट था। जैसे ही डिवीजन हुआ है, यानी जब दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, यानी जम्मू एंड कश्मीर अलग है और लद्दाख अलग है, उसके बाद से दे डू नॉट शेयर इट विद मोर देन टू कंट्रीज, दो के साथ ही शेयर करते हैं। सो इट इज 3 राइट नाउ। जम्मू एंड कश्मीर हैज बीन डिवाइडेड, ये भी याद रखना। जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख अलग अलग हो गए हैं। जब तक एक स्टेट थे तब तक दे शेयर विद पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, तीन कंट्रीज के साथ शेयर करते थे। लेकिन जैसे ही दो यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड हो गए हैं, दे डू नॉट शेयर इट विद मोर देन टू। तो हमें क्या करना है, मोर देन टू, दो से ज्यादा चाहिए। दो से ज्यादा सिर्फ सिक्किम, वेस्ट बंगाल और अरुणाचल प्रदेश शेयर करते हैं। नेक्स्ट, नरोपा इज एन एनुअल फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट। नरोपा फेस्टिवल किस स्टेट का है? क्विक, ये भी कराया है। नरोपा फेस्टिवल इज एन एनुअल फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट? लद्दाख अफगानिस्तान के साथ करता है एंड चाइना के साथ करता है। या उसके आंसर की में 4 मार्क्ड है। लद्दाख, लद्दाख ऑप्शन डी, ऑप्शन बी। नागालैंड और लद्दाख में कंफ्यूजन है, अरुणाचल भी ऑप्शन में है। ओके, द राइट आंसर ऑफ दिस इज गोइंग टू बी लद्दाख। नरोपा फेस्टिवल एक तिब्बत का फेस्टिवल है, इट इज अ तिब्बतियन फेस्टिवल, या तिब्बतियन फेस्टिवल है ये, और ये लद्दाख में रिसेंटली सेलिब्रेट किया गया। इट इज ऑल्सो नोन एज द न्यू ईयर ऑफ द तिब्बतियंस। तिब्बतियंस का न्यू ईयर के फॉर्म में भी सेलिब्रेट किया जाता है। एंड एज इट वॉज टोल्ड टू यू अर्लियर एज वेल, इसे याद रखने के लिए, तिब्बतियंस का फेस्टिवल है और इंडिया में सबसे ज्यादा तिब्बतियंस जो है वो लद्दाख रीजन में है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज ऑफिशियल एंट्री फॉर इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी 92nd अकेडमी अवार्ड। 92nd अकेडमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि निम्नलिखित में से कौन है? अकेडमी अवार्ड को ऑस्कर अवार्ड कहते हैं, ऑस्कर्स इसी को कहते हैं, अकेडमी अवार्ड को। एंड ये आंसर इज गोइंग टू बी वेरी इजी वन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इट इज ऑप्शन सी, गली बॉय वॉज द ऑफिशियल एंट्री ऑफ इंडिया इन टू द ऑस्कर्स फॉर इंटरनेशनल फीचर फिल्म। ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड कौन देता है, या हु गिव्स द ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड? ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है, या हु गिव्स द गोलकीपर अवार्ड? ये क्वेश्चन भी बहुत ही इजी है, इट्स एन इजी क्वेश्चन अगेन। सो गोलकीपर अवार्ड इज गिवन बाय होम, या गोलकीपर अवार्ड किसके कौन देता है? चाइना एज वेल एज अफगानिस्तान। यस, चाइना और अफगानिस्तान के साथ करता है। द थिंग इज डज इट शेयर इट विद पाकिस्तान? अगर पाकिस्तान के साथ शेयर करता है तो द आंसर इज गोइंग टू बी 4, अदरवाइज इट्स गोइंग टू बी 3। आंसर ए, ऑप्शन ए, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन किसे मिला था? हु वॉज द रेसिपियंट?
आंसर इज द बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन. बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन देते हैं ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड. एंड किसे मिला था? इस बार पीएम नरेंद्र मोदी को मिला गुलशन. दैट इज राइट. द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी वॉज द रेसिपियंट ऑफ ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड फॉर स्वच्छता अभियान. तो स्वच्छता अभियान को सक्सेसफुली रन करने के लिए ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड इस बार प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दिया गया था. गांधी सोलर पार्क कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ था रिसेंटली? दिस इज अ करंट क्वेश्चन. गांधी सोलर पार्क कहाँ स्थित है, या गांधी सोलर पार्क इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज? न्यूयॉर्क. ऑप्शन सी यूएन. यस आई हैव वॉच्ड इट. ह्यूस्टन. ऑप्शन बी. ऑप्शन ए. वेल यूनाइटेड नेशंस के मीटिंग के दौरान ये गांधी सोलर पार्क इनॉग्रेट किया गया था बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन न्यूयॉर्क. यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर्स में ये गांधी सोलर पार्क इनॉग्रेट किया गया था. न्यूयॉर्क इज द राइट आंसर. यस यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर्स में. नेक्स्ट. व्हाट वाज द कोड नेम गिवन टू द फर्स्ट एवर ट्राई सर्विस मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड यूएसए? नाउ अनदर फॉर्म ऑफ आस्किंग अ डिफेंस क्वेश्चन. डिफेंस एक्सरसाइज का क्वेश्चन पूछने का एक नया तरीका. भारत और अमेरिका के बीच पहली बार हुई त्रिकोणीय सैन्य अभ्यास के लिए का कोड नाम क्या था, या व्हाट वाज द कोड नेम ऑफ द फर्स्ट एवर ट्राई सर्विस मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड यूएसए? पीयूष. टाइगर. टाइगर ट्रम्प. ऑप्शन सी. ऑप्शन बी. ओके मेजोरिटी आर गोइंग विद ऑप्शन सी फॉर नाउ. क्विक. दिव्यांशु. गुलशन. इमरान. नैन. हरिओम. टाइगर ट्रम्प इन विजाग में नहीं हुई थी. इट वॉज हेल्ड इन वॉशिंगटन. आंसर इज ऑप्शन सी. टाइगर ट्रियम्फ इज द एक्सरसाइज ट्राई सर्विस एक्सरसाइज थी, यानी तीनों फोर्सेस आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स तीनों ने मिलके ये एक्सरसाइज कंडक्ट करी थी बिटवीन इंडिया एंड यूएसए. एंड द नेम ऑफ द एक्सरसाइज इज टाइगर ट्रियम्फ. नेक्स्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू कोल इंडिया लिमिटेड इज और आर ट्रू? कल ही कोल इंडिया लिमिटेड का क्वेश्चन कराया था कि चेयरपर्सन कौन अपॉइंट हुआ है. कोल इंडिया लिमिटेड का चेयरपर्सन का क्वेश्चन था शायद, जो कल ही कराया है, तो वो भी बताना है. एंड इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो कोल इंडिया लिमिटेड की सही नहीं है? पहली स्टेटमेंट है कि हेडक्वार्टर्स कोलकाता में है. सेकंड, 82 माइनिंग एरियाज हैं इन 20 प्रोविंशियल स्टेट्स ऑफ इंडिया. और तीसरा स्टेटमेंट है सिंगल लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी इन द वर्ल्ड है. इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? ओके हरिओम. ऑप्शन डी प्रमोद अग्रवाल. प्रमोद. ओके सो आंसर फॉर दिस इज प्रमोद अग्रवाल. दैट इज राइट. बट व्हाट अबाउट द स्टेटमेंट्स ओनली वन? ऑप्शन सी. ऑप्शन डी. वेल ये तो कल ही बताया था कि सिंगल लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी है वर्ल्ड की. वर्ल्ड की सबसे बड़ी कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी जो है वो कोल इंडिया लिमिटेड है, ये कल बताया था. हेडक्वार्टर्स भी कल बताए थे. क्वेश्चन सिर्फ इसके ऊपर आना चाहिए वैसे टिपिकली, अगर देखें कि 82 माइनिंग एरियाज हैं
तो द राइट आंसर इज कि इसके 81 माइनिंग एरियाज हैं इन 8 प्रोविंशियल स्टेट्स ऑफ इंडिया. तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है, बाकी दोनों सही है. हेडक्वार्टर्स इसके कोलकाता में है और लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी इन द वर्ल्ड है. ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन, वट इज द ग्राउंड ऑन विच द सुप्रीम कोर्ट कैन रिफ्यूज रिलीफ अंडर आर्टिकल 32. वह कौन सा पॉइंट है जिस पर सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत राहत देने से इनकार कर सकता है? किस रीजन की वजह से सुप्रीम कोर्ट मना कर सकता है कि वो रिलीफ नहीं देगा अंडर आर्टिकल 32? ओके सुमित, इफ यू वॉन्ट टू कवर अप समथिंग एल्स यू कैन टेक द ईयर बुक या जो ईयरली या हाफ बाय मंथली जो बुक आती है, अरिहंत की आती है, CSR की आती है, सो प्रतियोगिता दर्पण की भी आती है. सो उन बुक्स में इज गोइंग टू बी क्वाइट इनफ मटीरियल आई वुड से. सो किस स्टेटमेंट के अंदर, आराम से पढ़ो, टेक योर टाइम एंड आंसर इट. ऑप्शन सी गुलशन बी है, हीकिंग सर्स बी, अविनाश सी, पीयूष सी, वंदन सी, आकाश सी. ओके मेजोरिटी आर गोइंग विद ऑप्शन सी एंड दैट इज राइट. अगर कोई फंडामेंटल राइट आपका इंफ्रिंज नहीं हो रहा है, यानी कोई फंडामेंटल राइट जो आपसे आपका छीना नहीं जा रहा है या आपका फंडामेंटल राइट अफेक्ट नहीं हो रहा है, तो अंडर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट कैन रिफ्यूज टू हेयर यू और रिफ्यूज टू प्रोवाइड रिलीफ टू यू. तो राहत देने से इनकार कर सकता है सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 अगर आपका कोई फंडामेंटल राइट इंफ्रिंज नहीं हो रहा है. दीपिका, टेस्ट सीरीज के लिए यू कैन चेक इट आउट फर्स्ट एंड योर रिक्वायरमेंट भी देखो. आपको लाइव टेस्ट AIT सीरीज चाहिए या सिर्फ SSC के लिए चाहिए, CGL CPO दोनों के लिए चाहिए या मेंस एंड प्री दोनों चाहिए, तो यू कैन टॉक टू द एडवाइजर. SSC ट्यूब की जो वेबसाइट है उस पर कॉन्टैक्ट नंबर है, उसको उनको उस पर आप कॉन्टैक्ट करो और उनको अपनी रिक्वायरमेंट बताओ. दे विल सजेस्ट यू द बेस्ट टेस्ट सीरीज फॉर देन. ठीक है, वो आपको बेस्ट बता देंगे कि कौन सी आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल है. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइमेटिक टाइप्स इज फाउंड इन सेंट्रल स्पेन? स्पेन में कुछ हुआ था दिसंबर मंथ में, व्हाट वाज इट? सम मीटिंग वाज हेल्ड जो पहले किसी और कंट्री में होनी थी, फिर वो मूव होके स्पेन में हुई, इन द कैपिटल ऑफ स्पेन, मैड्रिड. मैड्रिड में हुई थी वो. कौन सी मीटिंग थी? विच मीटिंग वाज शिफ्टेड फ्रॉम सम अदर कंट्री टू स्पेन? बिल्कुल मिल जाएगी संजू, कुछ टाइम में मिल जाएगी वो बुक भी. इस एग्जाम में जीके एंड करंट के वैसे गुलशन ओवरऑल 120 क्वेश्चंस आते हैं. इफ वी टेक ऑल स्टैटिक तो ओवरऑल 120 क्वेश्चंस होते हैं, बट सिर्फ करंट के अगर पूछे तो इसके अंदर इस बार अप्रोक्सीमेटली 32 क्वेश्चंस वर देयर. ओके COP 25, दैट इज राइट. COP 25 जो है वो स्पेन में ऑर्गेनाइज हुई थी इन द मंथ ऑफ डिसम्बर एंड द आंसर ऑफ दिस इज ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल वार्म समर. चिली टू स्पेन, दैट इज राइट आशीष. तो चिली में होने वाला था, लेकिन चिली में इमरजेंसी डिक्लेयर हो रखी थी कैपिटल सिटी में, तो उन्होंने उसे शिफ्ट कर दिया स्पेन में, इन मैड्रिड. नेक्स्ट, हु अमंग द एडवाइजरी चेयरमैन ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर? एडवाइजरी चेयरमैन कौन है इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल का टू द प्राइम मिनिस्टर? प्रधानमंत्री के लिए आर्थिक सलाहकार परिषद के सलाहकार अध्यक्ष कौन है? PCS करने के लिए क्या करें, उसके लिए यू नीड टू स्टडी दोज ईयर बुक्स. वो ईयर बुक्स एंड मंथली मैगजीन्स ऑफ PD और CSR ये पढ़नी पड़ेंगी. दे आर गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल. वो बुक्स रेगुलर रखो और साथ साथ अपना जो स्टेट PCS अगर आप दे रहे हो तो स्टेट रिलेटेड इंफॉर्मेशन के साथ भी अप टू डेट रहना है, तो स्टेट की बुक्स भी पढ़नी है साथ साथ. आंसर फॉर दिस, चेयरमैन ऑफ द एडवाइजरी इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल, विवेक देब रॉय. ऑप्शन बी,
ओके सो मेजोरिटी गोइंग विद ऑप्शन बी, अमृता, अजीत, आशीष, दिव्यांशु, पीयूष एंड दैट इज राइट ऑप्शन बी. विवेक देबरॉय जो है वो एडवाइजरी चेयरमैन है इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के, तो ही इज द एडवाइजरी काउंसिल चेयरपर्सन. रुस्तम 2 विच वॉज क्रैश्ड इन कर्नाटका रिसेंटली, तो रेफरेंस आपको दे दिया कि रेफरेंस क्या है कि कर्नाटका में इट वॉज क्रैश्ड रिसेंटली, तो ये क्या था. इट इज अ डिफेंस रिलेटेड क्वेश्चन इन अ करंट एस्पेक्ट. रुस्तम 2 जो हाल ही में कर्नाटक में दुर्घटनाग्रस्त हुआ था वह क्या है, व्हाट इज इट. विद रेफरेंस दे हैव आस्क्ड यू अ डिफेंस क्वेश्चन. ऑप्शन बी, ऑप्शन बी राहुल किशन सेज ऑप्शन ए. क्विक यशवंत ऑप्शन ए, फाइटर एयरक्राफ्ट. ओके वी हैव आंसर्स फॉर ऑप्शन ए, ऑप्शन सी. ओके सो मेजोरिटी गोइंग विद ऑप्शन ए फाइटर एयरक्राफ्ट, सम विद ऑप्शन सी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, मेजोरिटी विद ऑप्शन डी अनमैंड, और जो ये कुछ है जो ऑप्शन डी के साथ जा रहे हैं अनमैंड एरियल व्हीकल, दैट इज राइट. रुस्तम 2 इज एन अनमैंड एरियल व्हीकल. गॉड योर मेमोरीज हैव गॉन डाउन इजन्ट इट. ये सारी चीजें पढ़ाई हुई है बट लुक एट द प्रोस्पेक्ट, इट सीम्स एज इफ कभी सुना ही नहीं होगा. ऐसे ऐसा फील हो रहा है कुछ क्वेश्चन ऐसे सुना ही नहीं है कभी, कभी बताया ही नहीं हो. ओके द विजयनगर एडवांस लैंडिंग ग्राउंड ऑफ इंडियन एयर फोर्स व्हिच वाज रीओपन्ड रिसेंटली इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट. भारतीय वायुसेना का विजयनगर उन्नत लैंडिंग ग्राउंड जिसे हाल ही में फिर से खोला गया वह कहाँ पर स्थित है. या प्लीज डू लाइक द सेशन एंड डू शेयर द सेशन. आई वुड रियली लाइक टू हैव अ ग्रेट क्राउड. ये किशन, अविनाश, नैन, धर्मेश, सज्जन, क्विक, सनी, देवेंदु, विप्लव, हेमलता. ओके वी हैव आंसर्स फॉर ऑप्शन सी कर्नाटका राइट नाउ. ऑल विद ऑप्शन सी कर्नाटका एंड ऑल आर रॉन्ग इन दिस, क्योंकि ये अरुणाचल में रीओपन हुआ था. इट वॉज इन अरुणाचल प्रदेश वेयर विजयनगर एडवांस लैंडिंग ग्राउंड इज देयर, और ये रीओपन किया गया था. ऑल ऑफ यू गोइंग रॉन्ग साइड, अ फ्यू कपल ऑफ आंसर स्टूडेंट्स हैव गॉन विद ऑप्शन बी एंड दैट इज द राइट वन. अरुणाचल प्रदेश में है. यू पीपल गॉट गेट मी कंफ्यूज एट सम टाइम. द मेडन ट्राइलैटरल नेवल एक्सरसाइज इन्वॉल्विंग इंडिया, सिंगापुर एंड थाईलैंड वॉज हेल्ड एट विच प्लेस. या भारत, सिंगापुर और थाईलैंड में त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास आयोजित किया गया था वह कहां पर किया गया था. तो ट्राइलैटरल नेवल एक्सरसाइज है इंडिया, सिंगापुर और थाईलैंड की, ये कहां पर हुई थी. गुलशन, अभी एज सच ईयरली बुक एंड ऑल इज नॉट अवेलेबल फॉर दैट, बट अ सून अ बुक इज कमिंग आउट एज पर द लास्ट ईयर पेपर्स, और वो जैसे ही बुक आएगी आई विल डेफिनेटली लेट यू नो. तो सीजीएल सीपीओ के लिए जल्दी एक बुक रिलीज होने वाली है, आई विल लेट यू नो वेन एवर इट इज गोइंग टू बी. ठीक है, आई होप देयर इज. ओके पोर्ट ब्लेयर, अंडमान एंड निकोबार, ऑप्शन ए, ऑप्शन डी. नाम क्या है एक्सरसाइज का, व्हाट इज द नेम ऑफ द एक्सरसाइज. आज के क्वेश्चन सेशन में होने तो ज्यादा क्वेश्चंस चाहिए थे, बट लेट्स सी हाउ मेनी इट इज गोइंग टू बी देयर. द आंसर ऑफ दिस इज पोर्ट ब्लेयर. पोर्ट ब्लेयर में है ये ट्राइलैटरल नेवल एक्सरसाइज इंडिया, सिंगापुर और थाईलैंड की, बाय द नेम सिटमैक्स. सिंगापुर,
इंडिया थाईलैंड मैरिटाइम एक्सरसाइज सिटमैक्स इज द नेम ऑफ द एक्सरसाइज, तो मैंने बोला भी था कुछ दिन पहले। यस किसी ने नहीं देखा, वो मुझे दिख रहा है किस किसने देखा है। ओके सो सिटमैक्स इज द एक्सरसाइज, तो बिना नाम दिए सिर्फ कंट्रीज का नाम देके दे कैन आस्क यू द वेन्यू एज आई हैड टोल्ड यू। सो काफी नए फॉर्मेट दिखे हैं इस बार क्वेश्चन पेपर में। स्टेट ऑफ हैदराबाद इन डेक्कन ऑफिशियली एक्सीडेड टू इंडियन यूनियन इन विच ईयर, या दक्कन में हैदराबाद राज्य ने आधिकारिक रूप से भारतीय संघ में कब प्रवेश या किस साल में प्रवेश किया था। दिस इज द क्वेश्चन। और इससे रेलेवेंट एक जो इन्फॉर्मेशन है वो ये थी कि इसको रीनेम किया गया था। एक पार्ट है सिक्स डिस्ट्रिक्ट्स का हैदराबाद में, उसे रीनेम किया गया था, क्या नाम रखा गया था? रिकॉल, गो बैक इन योर मेमोरीज एंड टेल मी। रविंद्र, आई गेस नोटिफिकेशन आउट होता है क्लास का, अगर फॉलो कर रखा है, आई मीन सब्सक्राइब कर रखा है, तब तो फिर नोटिफिकेशन आता होगा। क्यों नहीं आएगा चरण? इतने क्वेश्चन मैंने आपको वो दिखा दिए जो हिस्ट्री से हैं या किसी और बैकग्राउंड से हैं, और वो क्वेश्चंस कहीं ना कहीं करंट से हैं। आई हैव टोल्ड यू सो मेनी एग्जांपल्स ऑफ दैट। 1948, ऑप्शन ए, दैट इज राइट। 1948 में हैदराबाद जो है वो इंडियन यूनियन में आया था, कल्याण कर्नाटका। ओके सो समवन हैज दैट रिमेम्बर, गडवंती। ओके वीरा रेड्डी गडवंती इज राइट। कल्याण कर्नाटका रीजन इज द क्वेश्चन, इज द पॉइंट जहां से ये क्वेश्चन आया है। तो कल्याण कर्नाटका रिसेंटली न्यूज में था क्योंकि रीनेमिंग हुई थी। सिक्स डिस्ट्रिक्ट्स इन्वॉल्व है इसके अंदर, और इसको पहले एक स्पेशल स्टेटस था, पर वो स्पेशल स्टेटस अब ले लिया गया है इससे, एट सर्टेन रेंजेस, कंप्लीटली नहीं पर कुछ रेंज में लिया हुआ है। एंड 1948 में हैदराबाद स्टेट जब आया था उस टाइम पे दिस गॉट द स्पेशल स्टेटस। ओके नेक्स्ट, 11th स्केड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्ट्रीब्यूट्स पावर्स बिटवीन हुम। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची किन किन के बीच में शक्तियों का वितरण करती है? ये गलत होता तो पढ़ाई बंद। क्यों भूल जाते हैं? इसलिए रिवाइज करते रहना चाहिए गुलशन, दैट इज द ओनली रीजन वी से दैट कीप रिवाइजिंग। ओके 11th स्केड्यूल पावर्स किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करता है? शहजाद, ऑप्शन सी, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और पंचायत के बीच में। शहजाद सी, आशीष ऑप्शन डी, हरी ऑप्शन ए, स्नेहा ऑप्शन बी, पिपिहा ऑप्शन डी, राजेश ऑप्शन बी, दिव्यांशु ऑप्शन ए। तो ए बी सी डी चारों चूज कर लिए हैं। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, स्टेट लेजिस्लेचर और पंचायत के बीच में जो पावर्स डिस्ट्रीब्यूटेड हैं वो 11th स्केड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हैं। सो 11th स्केड्यूल जो है इट इज कंसर्न्ड विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन स्टेट लेजिस्लेचर एंड द पंचायत। नेशनल वाटर एकेडमी कहाँ ओपन हुई है? राष्ट्रीय जल एकेडमी कहाँ स्थित है या कहाँ पे रिसेंटली इनॉग्रेट हुई थी? के चरण, इसीलिए दैट इज द ओनली रीजन आई से दैट कीप रिवाइजिंग, या मैं रिवीजन सेशन क्यों कराती हूँ, एंड दैट इज द ओनली रीजन आई फेस सो मच ऑफ ऑब्जेक्शन फ्रॉम यू कि रिवीजन नहीं करना है हमें, वी विल रिवाइज ऑन आर ओन, सी हाउ द रिवीजन इज गोइंग ऑन। आई गेस देर आर ओनली अ फ्यू स्टूडेंट्स हेयर हु हैव एक्चुअली सीन द पेपर। स्नेहा एज आई सी हैज सीन द पेपर एंड अ फ्यू मोर आई कांट सी एज फॉर। इसीलिए क्वेश्चन तो हिंदी में है, कुछ तो आइडिया होगा, एटलीस्ट टेल व्हाट यू नो अबाउट द क्वेश्चन देन। देहरादून, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए, डी, नहीं कल क्लास नहीं है शिवम, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए देहरादून। ओके दिस इज गोइंग टू बी अ बिट शॉकिंग फॉर यू, बट द राइट आंसर इज नॉट ऑप्शन ए, इट इज ऑप्शन डी, खादा कुवलसा इन पुणे कर्नाट, इन पुणे, सॉरी, पुणे में खादा कुवलसा के अंदर ये नेशनल वाटर एकेडमी है। इट इज इन पुणे, नॉट देहरादून। देहरादून में होता तो ऑप्शन डी थोड़ी होता।
खादा वेल्स का इज इन पुणे इन महाराष्ट्र, एंड दैट इज वेयर नेशनल वाटर एकेडमी इज। देहरादून के अंदर कुछ और इनॉग्रेट हुआ था, क्या हुआ था? चलो देहरादून आ ही गया है, तो फिर लेट्स टॉक अबाउट दिस। क्या ओपन हुआ था देहरादून में रिसेंटली? वील डू टिल 40, ओके? डोंट वरी, 40 क्वेश्चन करते हैं, आई विल लीव, डोंट वरी, बट इसका बता दो, देहरादून में रिसेंटली क्या ओपन हुआ है? नेशनल वाटर एकेडमी तो नहीं है, एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, रिसर्च कैंप ओपन हुआ है, क्या है? कुछ देर और बस, मे बी हार्डली 5 to 7 मिनट्स मोर। क्विकली, देहरादून में क्या ओपन हुआ है? एक्वा लैब, ओके, धर्मेश हैज गॉट इट। हेलीकॉप्टर समिट हुई थी एंड एक्वा लैब थी, इट वॉज एक्वा लैब, नॉट वॉटर अकेडमी। यस, हेलीकॉप्टर समिट भी यही हुई थी, दैट इज राइट। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नोडल एजेंसी इन इंडिया फॉर यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम, यूनेप के लिए इंडिया के अंदर कौन सी नोडल एजेंसी है? निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यक्रम के लिए भारत में एक नोडल एजेंसी है, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नोडल एजेंसी ऑफ यूनेप इन इंडिया? यूनेप ने एक रिपोर्ट रिलीज करी थी, यूनेप की मीटिंग हुई थी COP 25, और उससे पहले यूनेप ने एक रिपोर्ट सबमिट करी थी क्लाइमेट चेंज के ऊपर। सो यूनेप वॉज क्वाइट इन न्यूज, एंड उसी से निकला ये क्वेश्चन है कि यूनेप में इंडिया की कौन सी एजेंसी है। दिलेश्वर सेज ओके पुणे, दैट इज राइट, यूनेप हेडक्वार्टर्स आर नैरोबी, सनी दैट्स राइट, पीयूष सेज ऑप्शन बी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, देवेंदु ऑप्शन डी होम अफेयर्स, श्वेता ऑप्शन डी, पपिया ऑप्शन बी, हरिओम ऑप्शन ए। वेल, इसके अंदर गेस भी करना हो, अजीत ऑप्शन डी, स्नेहा ए, हरिओम, हेमलता, ओके, गेस भी करना हो तो गेस के लिए भी आई गेस द फर्स्ट ऑप्शन शुड बी दिस, क्योंकि यूनेप जो है वो एनवायरमेंट प्रोग्राम है। एनवायरमेंट से रिलेटेड कौन सा ऑप्शन है? एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। लास्ट वन, ओके, आई लीव यू विद दिस क्वेश्चन देन। होस्ट ऑफ वर्ल्ड टूरिज्म डे 2019, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व पर्यटन दिवस 2019 के लिए मेजबान था? दिस इज अ क्विक क्वेश्चन, होस्ट कंट्री फॉर वर्ल्ड टूरिज्म डे, इंडिया, ऑप्शन ए, राहुल, शहजाद, बिप्लब, मानसी, मेहुल, हेमलता, नैन, हरिओम, रविंद्र, एंड दैट इज राइट, ऑप्शन बी इंडिया, इंडिया वॉज द होस्ट फॉर वर्ल्ड टूरिज्म डे। ओके, वन मोर क्वेश्चन जाने से पहले, ब्रिक्स समिट कहां पर होगी 2020? ब्रिक्स समिट 2020, ओके, आई कुडंट रेसिस्ट पुटिंग ऑन वन मोर क्वेश्चन, ब्रिक्स समिट 2020 कौन होस्ट करेगा? ब्रिक्स समिट इज द मोस्ट इजी टू गेस, मानसी ऑप्शन डी, रशिया ऑप्शन डी। वेल, लुक एट द ईयर 2020, 2019 की समिट जो है वो ब्राजील ने होस्ट करी थी, एंड ब्रिक्स समिट इन द सीक्वेंस ऑफ लेटर्स होती है, तो पहली 19 की जब ब्राजील ने करी तो नेक्स्ट इज गोइंग विद रशिया, 2021 में इंडिया, देन चाइना, एंड देन साउथ अफ्रीका, तो इसी सीक्वेंस में चलती है इसकी समिट्स, एंड देयरफॉर 19 की ब्राजील में हुई तो 20 की इज गोइंग टू बी इन रशिया। ओके, विद दिस आई विल लीव यू, इट्स बीन लॉन्ग इनफ, अ लॉट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट फॉर यू टुडे, काफी डिसअपॉइंटमेंट फेस करना पड़ा इन टर्म्स ऑफ योर एक्यूरेसी, सो स्टार्ट वर्किंग नाउ, एंड यही रीजन है कि मैंने बोला था एग्जाम पेपर देखना है, बिकॉज इट हैज अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड इट विल टेल यू कि कहाँ स्टैंड कर रहे हो, सो गो थ्रू इट वंस, आई विल टेल यू, एंड फिर कभी सीडीएस का जो सेप्टेम्बर वाला पेपर है वो भी देखेंगे सम अदर टाइम,
क्योंकि सितंबर वाला पेपर को इंक्लूड करने के लिए सीडीएस जो एसएससी है वो सीडीएस का सितंबर वाला पेपर ले, उसके चांसेस भी उतने ही हैं जितने फरवरी वाले के हैं. सो मे बी सम टाइम, अंटिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड गुड लक विद योर प्रेपरेशंस एंड सी यू ऑन मंडे. नाउ अब क्लास मंडे को है, द नेक्स्ट क्लास इज गोइंग टू बी ऑन मंडे, देर इज नो क्लास टुमारो एंड द डे आफ्टर. ओके एंड थैंक यू. Thank you.